नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हो तो डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है और बहुत अनोखी खबर भी कह सकते हैं हम उसको कि वो निकल के आई है। क्या ये अच्छी खबर है, क्या उसको अनोखी खबर बोला जा रहा है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से वही एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि डीडी फ्री डिश अपने प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा बनाना चाह रहा है और वो इतना लार्ज बनना चाहता है कि वो नंबर वन कैटेगरी के ऊपर शामिल रहे। वैसे तो नंबर वन है ही, लेकिन फिर भी वो अपने आप को और भी विकसित करना चाहता है। बहुत ये मान लीजिए एक प्रकार से हर क्षेत्र में अपने आप को ही देखना पसंद करना चाहता है, और इसी के कारण डीडी फ्री डिश ने अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी थी और वहां पर काफी सेटअप बॉक्स वितरित किए थे। जैसे कि लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था, वो जो क्वांटिटी हमारी थी जो वितरित की जाने वाली थी वो लगभग 50,000 को क्रॉस कर चुकी थी, और वो 50,000 से ज्यादा सेटअप बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट निम्न वर्ग के लोगों को बांटा जा रहा था, जो कि सेटअप बॉक्स परचेज करने की स्थिति में नहीं थे, ताकि सरकार ये चाहती है कि वहां पर भी सभी को हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की सूचनाएं मिल सके बिना किसी चार्जेस के, और जो 100 चैनल उसके ऊपर प्रसारित किए जाते हैं उनका आनंद वो हर जगह पर दिखा सके और वहां पर हर वो इंसान उसका आनंद उठा सके जिसके पास पैसे सेटअप बॉक्स खरीदने के लिए नहीं है, उनको सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप बॉक्स बांटे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं तो ये बोलूंगा कि डीडी फ्री डिश जो ये सेटअप बॉक्स बांट रही है, ये इस कारण से बांट रही है कि ताकि डीडी फ्री डिश के जो कस्टमर्स हैं वो उससे और भी जुड़े और डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म का विस्तार और ज्यादा होता चला जाए। और अब एक चीज सामने ये भी निकल के आई कि जो डीडी फ्री डिश के जो सेटअप बॉक्स बांटे गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उन लोगों को बांटे गए थे, काफी लोगों ने उस सेटअप बॉक्स को सेल कर दिए ताकि उनसे उनको कुछ पैसे की प्राप्ति हो सके और वो अपने पैसे को सदुपयोग ले सके। तो देखिए दोस्तों, मैं तो आपको ये बोलूंगा डीडी फ्री डिश का जो ये निर्णय है फ्री सेटअप बॉक्स बांटने का, वो मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि अगर डीडी फ्री डिश अपने आप को बढ़ाना चाहता है, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाहता है, तो मैंने पहले भी यही बात बोली थी और आज भी यही बात बोलूंगा कि डीडी फ्री डिश को अपने आप में सुधार करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपने जो स्लॉट्स हैं उसको इंक्रीज करना चाहिए, कंटेंट में अपने सुधार करना चाहिए, और जो पुराने चैनल जो डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले गए थे, जो जी अनमोल हुआ, हमारा स्टार उत्सव हुआ, सोनी मैक्स हुआ, या जो भी हमारे एंटरटेनमेंट भरे चैनल्स थे वो डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले गए थे ट्राई के नियम आने के बाद में, और वो पेड चैनल में शामिल हो गए थे, और उनको अगर डीडी फ्री डिश दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहे तो लाए और अपनी टीआरपी को इंक्रीज करे, अपने कस्टमर को इंक्रीज करे फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप बॉक्स बेचने से या फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप बॉक्स देने से डीडी फ्री डिश का ज्यादा विस्तार नहीं होने वाला। डीडी फ्री डिश का अगर वाकई में डीडी फ्री डिश विस्तार करना चाहता है तो उसको अपने कंटेंट में, अपने स्लॉट्स में और अपने चैनल्स के अंदर कुछ ऐसे चैनल्स परमानेंट शामिल करने होंगे जिसको यूजर देखना पसंद करते हैं, जिसको ग्राहक देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा अगर डीडी फ्री डिश कुछ बदलाव करे तो डीडी फ्री डिश को सेटअप बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और डीडी फ्री डिश के जो कस्टमर्स हैं वो मैग्नेट की तरफ आयरन जैसे खिंच के चला आता है, उसी प्रकार से ऑटोमेटिकली लोग डीडी फ्री डिश की ओर खिंचते चले आएंगे अगर डीडी फ्री डिश का कंटेंट में सुधार किया जाता है, स्लॉट्स में इंक्रीज किया जाता है ताकि कुछ चैनल को ऐड किया जाए, और अगर पुराने चैनल को लौटाया जाता है तो डीडी फ्री डिश को ये मान लीजिए किसी भी चीज की पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना उनको फ्री सेटअप बॉक्स बांटने की पड़ेगी, ना किसी और चीज की उनको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, डीडी फ्री डिश का विस्तार ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। तो दोस्तों, यही बड़ी खबर निकल के आई थी डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म की तरफ से, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिए जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, आपका क्या सजेशन है, क्या डीडी फ्री डिश को सेटअप बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट बांटना सही है या फिर
उसको अपने आप में सुधार करना चाहिए, या सेटअप बॉक्स की जगह वो कुछ और अपने आप में बदलाव करे, या अपने स्लॉट्स को इंक्रीज करे, या पुराने चैनल को कौन से चैनल को वो डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करे ताकि उसके जो कस्टमर हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते चले जाएं। ये सारी जानकारी आप अपने सुझाव और अपने मत इस वीडियो का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अपने सुझाव दे सके और डीडी फ्री डिश के बारे में जो भी सजेशन है वो बता सके। हो सकता है कोई ऐसा सजेशन डीडी फ्री डिश उसको अमल में ले आए और वो लागू कर दे और उससे हमारे को बहुत बड़ा पहुंचे फायदा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपके कमेंट्स को ध्यान में रखकर डीडी फ्री डिश उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दे और वो लागू कर दे ताकि हम उसका आनंद उठा पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।